कल रात 10 साढ़े 10 बजे एक महिला पुलिस स्टेशन में आई, उसके पास में एक 3 महीने की लड़की थी और वो उसने बोला कि मैंने मेरे लड़की को उसका गला मुंह और छाती दबा के उसको जान से मार दिया है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने तत्काल वो महिला को लता मंगेशकर हॉस्पिटल में भेजा और लता मंगेशकर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसकी जो रियांशी नाम की 3 साल की बच्ची थी उसको चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में हमने महिला के पति को बुलाया, महिला के पति के रिपोर्ट पर से हमने वो जो ट्विंकल है उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। ये ट्विंकल और रामा ये दोनों आपस में रिश्तेदार है और ये दोनों 2020 से पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और 2021 में उनको एक बच्ची हुई, उसका नाम रियांशी है और ये भंडारा ज़िले में तुमसर में ये रामा राउत के घर पे ही रहते थे। वहाँ से कुछ महीने पहले ये नागपुर में काम के लिए आए और फिर एक पेपर कोन कंपनी में दोनों अपनी बच्ची के साथ में काम करते थे। तो घटना के दिन कल भी इनका वो रामा राउत के किसी और के साथ में रिलेशन है, इस बात पे उसका ट्विंकल का झगड़ा हुआ और वो अपनी बच्ची को लेके घर के बाहर पड़ी और फिर बाहर उसने एक जगह पे वो रियांशी उसकी लड़की रियांशी को उसकी गला छाती और मुंह दबा के मार दिया। सर अभी तक क्या आपने कार्रवाई? हमने आरोपी ट्विंकल के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है और उसको अरेस्ट किया है।